हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में स्वागत है। और यहाँ आज मैंने रसोई से मतलब खाना बनाते हुए से ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ मैंने लिया है बेसन। बेसन को आपने देखा मैंने छान लिया था और उसमें 2-3 लौंग डाल रही हूँ। और इसको मैं लूँगी कूट अच्छे से। और उधर भगोने में मैंने पानी गर्म होने रख दिया। आप लोग देख सकते हो 2 गिलास रखा है। जितना मुझे सब्ज़ी बनानी है उतना मैंने पानी रखा है। आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हो। लौंगों को मैंने इससे कूट लिया है बारीक तरीके से। और बेसन में थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। बहुत ही सावधानी से मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत सारी रेसिपी, कल वाली रेसिपी में भी कमेंट आया था दी, थोड़ा सा आपकी रेसिपी हम भी ट्राई करते, थोड़ा सा अच्छे से समझाया करो कैमरा पास करके। तो कोशिश यही रहती है पर हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने लौंग फोड़ ली थी और नमक डाल लिया था और बेसन को घोल लेना है। इस बेसन को हमें ज़्यादा नहीं घोलना है, सॉफ़्ट पकौड़ी नहीं बनानी है। बस 2-3 बार ऐसे हाथ लगाया, बस हो गया। ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस बेसन तैयार हो गया। जब तक मेरा पानी गर्म हो गया है और देख सकते हैं पानी में मैं डाल रही हूँ ये मेरी पकौड़ियाँ। ये बना रही हूँ राजस्थानी गट्टे की सब्ज़ी। आप लोग चाहें तो छोटे छोटे ये पानी मेरा खोल गया था, 2 गिलास डाला है मैंने पानी। आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था, पानी गर्म होने लग गया, उसमें खोले से आने लग गए, तो मैंने छोटी छोटी करके पकौड़ियाँ डाल दी हैं। छोटी क्या, मैंने तो बड़ी की है, बाद में इन्हें काट सकते हैं। आप लोग चाहें तो छोटी छोटी कर सकते हैं, पर उबालते समय तो बड़ी बड़ी करके डाल देते। तो देखिए इस तरीके से मैंने अपने पानी में पकौड़ी सारी छोड़ दी है। एक बार में ही मेरा सारा हो गया ये देखिए। और इसको मैं ढक दूंगी थोड़ी देर के लिए और इसको अच्छे से पकने दूंगी जब तक ये ना पक जाए। तो ये देखिए पकने के लिए छोड़ दिया है। और जब तक मैंने लिया है लहसुन, प्याज, हरी मिर्ची, इन सबको छील के अच्छे से कूट लूँगी जब तक मेरे गट्टे बनके तैयार हो जाएंगे, मतलब उबल के तैयार हो जाएंगे। लहसुन प्याज मसाला थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है इसमें, क्योंकि राजस्थानी लोग आपको पता है लहसुन कुछ ज़्यादा खाते हैं, मेरे ख्याल से, मैं अपनी बता रही हूँ, तो इस वजह से। और मैं यहाँ आपकी बातों का सब चीज़ का ध्यान रख रही हूँ कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मैंने पिछली बार मठे के आलू शेयर किए थे, गूलर की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें यही कमेंट आया था, छोटी छोटी भी चीज़ें आप शेयर करा करिए, क्योंकि थोड़ा सा फिर हट जाता है दिमाग इसलिए। तो देखिए लहसुन प्याज मैंने और हरी मिर्ची लिया और इसमें कूट लूँगी बारीक तरीके से, अच्छी अच्छी तरीके से, जब तक मेरा उबल के तैयार हो जाएगा। ये देखिए मेरे गट्टे हो गए उबल के तैयार। और इस पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसीलिए मैंने हिसाब से लिया। देखिए पकौड़ी कितनी मोटी मोटी हो गई हैं, इनको काट लेंगे। आप चाहे तो छोटा छोटा कर सकते, पर मैं तो कढ़ाई में ही छोटा छोटा कर दूंगी। तो यहाँ डालिए मैंने हींग, जीरे, 3 बड़ी सूखी मिर्ची, और इनको भूज देना है। और प्याज लहसुन मिर्ची में ही मैंने सारे मसाले डाल दिए। प्याज लहसुन को भूजा नहीं है मैंने, कच्चे में ही लहसुन प्याज डाल दिए। और वही वाला चिमचा ले लिया है जिससे मैंने गट्टे हिलाए थे। आप लोग कहो गंदा है, गंदा नहीं है, वही वाला मैंने चमचा ले लिया है। और इस मसाले को अच्छे से भूज लूँगी जब तक तेल हमारा ना छोड़े। मसालों में तो आपको पता है नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, यही। और ये वाला दही लिया है। दही को मेरा मसाला भुंज गया था, मैंने उसमें डाला है दही। और इसको हिलाते रहना, रुकना नहीं है, नहीं तो दही फट जाएगा। आधा दही मैंने डाल दिया है, आधा बचा लिया है, क्योंकि इतना दही काफ़ी है। और दही फटने के बाद ये मैंने अपने गट्टे इसमें डाल दिए। गट्टों को चमचे से तोड़ दूँगी जो छोटे छोटे हो जाएंगे। वैसे मैं चक्कू से भी कर सकती थी, पर कोई नहीं, चमचे से भी मैं अभी देखना और मेरा हो जाएंगे छोटे छोटे से। गर्म थे, हाथ से कैसे करती, तो इस तरीके से ये देखिए छोटे छोटे हमारे गट्टे हो गए। और इसको आप खोलने के लिए छोड़ देते, खदकने के लिए छोड़ देते 10-15 मिनट के लिए। और पर अभी इसको हिलाते हुए रहना, हिलाएंगे नहीं तो दही फटने का डर रहता है। थोड़ी देर इसको हिलाएंगे, जहाँ पकने लगेगा फिर इसे छोड़ देंगे। और इसके साथ बनाऊँगी थोड़े चावल, थोड़ी रोटी, बस। तो ये देखिए हमारे सब्जी गट्टे की बन के हो गई तैयार। इसमें
मेथी डाल दिए, कसूरी मेथी और गरम मसाला। हमारे यहाँ कस्तूरी मेथी बोलते हैं तो वही मैं बोलती हूँ, आप कसूरी मेथी बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए। ठीक है, हमारी सब्ज़ी हो गई बनके तैयार। तेल छोड़ दिया हमारी सब्ज़ी ने और इस पे रख दूँगी चावलों का कुकर। हमारे चावल बनते रहेंगे और देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है सब्ज़ी में निकल के आया है। आप लोग चाहें तो ट्राई करिएगा। तो सब्जी रोटी बनाने के बाद यहाँ कुछ बनाऊंगी मीठा। तो मीठे के लिए पहले तो मैं बच्चों को दे दे रही हूँ खाना, क्योंकि बताया था ना मैंने चावल बनाऊंगी रोटी बनाऊंगी, तो आपको पता है बच्चों को तो चावल पसंद होते हैं, तो चावल और सब्ज़ी दे दे रही हूँ। उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है और बच्चे बर्तनों में मैंने खाली करके इनमें खाली कर लेती हूँ, बर्तन रखे हैं बाहर जो कि मैं अभी धोऊंगी। और मैंने छोटे से भगोने में दूध उबलने के लिए रख दिया है, उसमें डालूँगी नींबू। दूध को मुझे फाड़ना है और बनाना है कुछ चीज़, वो ये नहीं शेयर करूँगी, बस मन थोड़ा सा खुश है तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इसलिए हमारे यहाँ इसको गिजरी बोलते हैं, फटा बोलते हैं। तो बस बहुत टाइम हो गया था नहीं खाया तो आज यही खा ले रही हूँ, और बच्चे खाना खा रहे तो उन पे भी ध्यान रख रही हूँ। मैं ना सब्जी वगैरह कुछ भी बनाती हूँ ना, बर्तनों को खाली करके छोटे छोटे डोंगों में रख लेती हूँ, क्योंकि फिर किचन भरा भरा लगता है। और इनको बाहर रख दिया है मैंने बर्तन को, और इसमें ही सारा सब्जी कर दिए। और सोना बोल रही है मम्मी मुझे अलग चाहिए, तो उनको अलग कटोरी में दे रही हूँ। ये वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, सब्जी बनाओ रोटी बनाओ सब बर्तनों को खाली करके बाहर रख दो और उनको सब्जियों को ढक के रख दो, तो किचन भी साफ़ रहता और बाहर बर्तन रखे रहते, फिर अपना काम खाना खा के बर्तन धो लो जाके, या खाने से पहले बर्तन धो लो। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा दूध फट गया है, नींबू जितना मुझे चाहिए था उतना नींबू डाला है, और इसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। थोड़ी देर बाद देखती हूँ फिर बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो बहुत गर्म है, बन नहीं सकता इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे मैं छत पे आ गई, छत पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी। सोना यहीं पर खेल रही है, बच्चे सब पतंग उड़ा रहे हैं, सभी मतलब सभी किराएदार बैठे हुए हैं तो हम भी बैठे हैं। ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है, तो मैंने आप लोगों को दिखा देती हूँ थोड़ा सा। देखिए मौसम कितना साफ़ है, कितना अच्छा सा हो रहा है, तो इसलिए मैंने कैमरा ऑन कर दिया, कोई देख नहीं रहा था। इसलिए ये रही आपकी शोना, देखिए कैसे खेलने में लगी हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन ही जाते हैं और अच्छा भी लगता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारा वो दूध का भी कुछ नहीं फाड़ के रख दिया। यहाँ पे मैंने बोला पहले बर्तन धो लेती हूँ, बर्तनों को पहले मैंने एक बार धो चुकी हूँ, दोबारा धो रही हूँ, क्योंकि एक बार में अच्छे से नहीं निकल पाते ना, इसलिए टप के पानी से पहले दो बार धो पहले मांझ लिए थे और झूठन निकाल के फेंक दी थी, फिर लास्ट में एक बार और दूसरी बार धो रही हूँ। दूसरी बार में बर्तन अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और देखिए हमारी सोना हमारी मदद करा रही, कुछ भी काम करने चलो ये सबसे पहले कराना स्टार्ट कर देती है। देखिए कैसे करा रही हैं। तो बस बर्तन आपको पता है एक बार साबुन उनका निकल जाए बर्तनों का, तो दोबारा धोने में कोई टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाते हैं बर्तन। और हमारी सोना काम करा दे तो जल्दी ही हो जाता है काम। तो बस यही था आज का वीडियो, और मैं बस बोलती हूँ ना तो कुछ लोगों को अच्छा लगता है, हो जाता है ना कभी कभी, तो इस वजह से। तो मेरे बर्तन धुल गए, यहाँ पे कर दूँगी सफ़ाई, वाइपर मार दूँगी, और अब जाके जो भी मुझे थोड़ा सा बनाना है वो बना के और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर थोड़ा बहुत बच्चों के साथ कुछ भी करते रहो। देखिए मेरे पानी भरने के बर्तन टूट गए हैं, ये खिसकाने खिसकूने से टूट जाता है। और सोना का मुँह धो दिया, मुँह बोली हाथ भी धो। तो यहाँ पे बस मैंने बोला खाना खा लेती हूँ, खाना खा के फिर थोड़ा सा, क्योंकि भूख लग गई थी बहुत ज़्यादा, टाइम हो गया था ना इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने जो भी बनाया है वो थोड़ा थोड़ा ले लिया है, और बच्चों ने सबने खा ही लिया था, मैं ही रह गई थी खाने के लिए, तो इस वजह से। और अभी आप लोग बोलोगे मीठा बनाया, वो तो दिखाया ही नहीं, तो चलिए वो आपको दिखा देती हूँ अभी कैसे बनाया कैसे नहीं बनाया।
देखिए इसमें कुछ नहीं किया है, बस मैंने चाशनी बना के जो मैंने दही को दूध को फाड़ा था चाशनी में इसको डाल दिया। ये एकदम छेने के जैसे लगते, जैसे छेना नहीं खाते हम लोग वैसे लगते, तो बस यही आज बनाया था मीठा। कैसे हैं आप सब, सारा खाना आना बन गया। और ये इसे हमारे यहाँ फटा बोलते हैं, जब भैंस के बच्चा होता है तब ये बनाया जाता है, सब लोग पता होगा। तो यही आज बहुत टाइम से मेरा मन था बनाने का, तो मेरा मीठा भी हो गया। और आप कहें क्या खुशखबरी है तो बता दो प्लीज़, फिर फुल वीडियो देखिएगा। मेरी फ्रेंड है, उसका नाम राजू है, उसके जुड़वा बच्चे हुए हैं दो, और हम लोग ना बचपन से ही साथ में रहे, साथ में पढ़े लिखे हैं। तो कल उसका फ़ोन आया, उसने बताया कि दो जुड़वा बच्चे हुए, तो खुशी तो होती ही होती है, साथ में रहे हैं हमेशा से, तो इस वजह से। तो मैंने बोला चलिए यही मीठा सा कुछ जल्दी से फटाफट से, यही था बनाने को तो यही बना, यही मुझे पहले, मैंने बोला छेना बना लेती हूँ, फिर मैंने इतने से दूध से नहीं बनेगा, तो मैंने फटाफट से दूध को फाड़ के ये बना लिया। और बहुत अच्छा बना था, इलायची सब ये डाल के मैंने बनाया। बच्चों ने खा लिया, बस मेरा रह गया, मैं खाने जा रही थी। गाँव में बहुत बनाते, मेरी सासू माँ बनाती थी, तो बस यही था। और सब लोगों को मैं बस बोलती हूँ ना, बहुत पसंद आता, देखते हुए आया है मसालू पूरी है बुला। और आप लोग बताइए कैसे हो कैसे नहीं हो, मैंने बोला आप लोगों से बातें कर लूँ और वीडियो का एंड कर दूँ। आज सोमवार है, ये सोमवार का ही ब्लॉग है, कोई मैं पहले से ब्लॉग बना के नहीं रखती हूँ, जिस दिन बनाती हूँ उसके दूसरे दिन अपलोड। आज सोमवार है तो ये मंगलवार को चला जाएगा वीडियो, है ना, तो यही है। और बच्चे सब खेल रहे हैं और मैं फ्री होके बस बैठी थी, नहा धो के सारा काम करके, तो आप लोगों से बातें करने लगी। और थैंक यू सो मच आप लोग, मुझे जितना कल इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए, कुछ लोग क्या बोल रहे कुछ लोग क्या बोल रहे, पर कोई बात नहीं, सो हैप्पी। आप लोग बोलते खुश रहा करो, खुश ही रहती हूँ हमेशा ही, पर ये थोड़ा ओवर एक्टिंग हंसते रहो हमेशा, जितना नॉर्मल हो उतना ही तो करेंगे। तो चलिए वीडियो को कर देती हूँ एंड, कल मिलूँगी या नहीं पता नहीं मैम। तो चलिए, मैंने अभी खाना आना कुछ नहीं खाया, पता है क्या टाइम हो गया है, मेरी आँखें कैसे हो गई हैं, और एक बजने जा रहा है, एक बजा नहीं है, 5 मिनट कम है एक बजने में। बस बाहर बैठी हुई थी, सब लोग बैठे थे किराएदार, तो मैं भी वहाँ पर बैठ रही थी जाके, अच्छा लगता है ना, मन हल्का हो जाता है बातें करने के लिए। तो और बहुत से लोग बोल रहे थे आपकी पेमेंट आई या नहीं आई, तो मैं जल्दी आप लोगों को बताऊँगी मेरी पेमेंट आई या नहीं आई। वैसे बहुत से लोगों को पता है पेमेंट के बारे में, क्या बताऊँगी। तो चलिए, बाहर भी 2 बार बोल दिया है, आप लोगों से विदा लेती हूँ, पर वही है अब तो बहुत अजीब सा, पता है यहाँ एक जगह रहते रहते ना मन थोड़ा सा बेचैन हो जाता है, तो इसलिए कुछ काम वाम करने का मन नहीं करता है। और अब जाके शाम को बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्ज़ी, अभी तो कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी तो बनाया है, शाम को आलू टमाटर की सब्ज़ी, काफ़ी दिन हो गए नहीं खाए। और आप लोग बताइएगा आप लोगों के यहाँ आलू कैसे बिक रहे हैं, यहाँ तो महंगे हो गए हैं, महंगे क्या, और प्याज भी हो गया है महंगा, सब्ज़ियाँ बहुत महंगी हो गई हैं, तो इसलिए। तो चलिए अब नहीं बात करूँगी, तो बातें करने बैठे हैं ना बहुत सारी बातें हैं। चलिए बाय बाय, आज नहीं बोलूँगी, लाइक करो सब्सक्राइब करो, अच्छा लगे तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं।